दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम कटरा के खूबसूरत पार्क में जिसका नाम है शालीमार पार्क। और ये एक हॉट स्पॉट है अपना फोटो वोटो खींचने के लिए, सेल्फी पॉइंट वगैरह के लिए, और बेहद ही खूबसूरत पार्क है कटरा का। देखिए पार्क की खूबसूरती। आज ये जय माता दी लिखा हुआ है, ऐसे दिखाता हूँ आपको ऊपर से। आप देख सकते हो उस पार्क में झूले भी हैं बच्चों के खेलने के लिए, बच्चे हैं अपना बच्चा है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उस पार्क में बच्चों को यहाँ लेके आइए, बच्चे अपना झूलेंगे खेलेंगे कूदेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, मनोरंजन के साधन है अपना, बच्चे टाइम भी पास हो जाएगा। अगर आप पे टाइम स्पेयर टाइम हो तो यहाँ पे अपना घंटे दो घंटे का टाइम यहाँ पे आप आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम कटरा के खूबसूरत पार्क में जिसका नाम है शालीमार पार्क। और ये एक हॉट स्पॉट है अपना फोटो वोटो खींचने के लिए, सेल्फी पॉइंट वगैरह के लिए, और बेहद ही खूबसूरत पार्क है कटरा का। पिछले करीब 10-12 साल से मैं इस पार्क में लगातार आ रहा हूँ, खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप आएंगे आपका ही मन मोह लेगा। ये पार्क देखिए सामने देखिए नज़ारा, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो वैष्णो माता का पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत ऊपर दिख रहा होगा आपको, बादल छाए हुए खैर इसलिए साफ नहीं दिख रहा। तो चलिए चलते हैं घुमाते हैं आपको वैष्णो शालीमार पार्क में। वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में बताऊंगा ये पार्क कहाँ पर है कटरा में और कैसे पहुँचा जा सकता है इस पार्क तक, और पास का जो सबसे नज़दीकी पॉइंट है जहाँ से आप कटरा पार्क पहुँच सकते हैं वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से आप सीधा यहाँ इस पार्क में पहुँच सकते हैं। जय माता दी। देखिए पार्क की खूबसूरती। आज ये जय माता दी लिखा हुआ है, ऐसे दिखाता हूँ आपको ऊपर से। चलिए पार्क के और जो हिस्से हैं उनका देखते हैं। बिल्कुल सेम जैसा श्रीनगर का जो पार्क है उसकी तर्ज पे बनाया था इस पार्क को, और ये आज का नहीं है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी आशा, उस फिल्म में गाना था तूने मुझे बुलाया शेरावाली, जब वो फिल्म का गाना शुरू होता है तो वो इसी पार्क से होके, जो गीतकार और जो सज्जन व्यक्ति एक्टिंग कर रहे होते हैं वो इसी पार्क से होके जाते हैं आगे माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। जो पुराना आपका जो बाणगंगा रोड था ना वो इसी पार्क के पास समीप से होके गुजरता है। देखिए खूबसूरती इस पार्क की, फूल वूल बगीचे हरियाली सब कुछ है इस पार्क में। चलिए आपको लेके चलते हैं जहाँ बच्चों के झूले लगे हुए हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप कर जाओगे तो फिर आप मिस कर जाओगे कुछ चीज। आप देख सकते हो उस पार्क में झूले भी हैं बच्चों के खेलने के लिए, बच्चे हैं अपना बच्चा है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उस पार्क में बच्चों को यहाँ लेके आइए, बच्चे अपना झूलेंगे खेलेंगे कूदेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, मनोरंजन के साधन है अपना, बच्चे टाइम भी पास हो जाएगा। अगर आप पे टाइम स्पेयर टाइम हो तो यहाँ पे अपना घंटे दो घंटे का टाइम यहाँ पे आप आसानी से काट सकते हैं। चलिए आपको लेके चलता हूँ पार्क के दूसरे हिस्से में। ये देखिए ये झरना, ये झरना भी अब याद आया, बिल्कुल सेम वही जैसा शालीमार पार्क है कश्मीर का, उसी की तरफ से बनाया था, नाम भी इसी तरफ पे शालीमार पार्क रखा गया। आइए चलें आपको लेके चलते हैं आगे दूसरे हिस्से में। लीजिए मेरा दावा है जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो अगली बार जब भी कटरा आएंगे तो जरूर आप इस पार्क में जरूर आएंगे, आप रोक नहीं पाओगे अपने आपको इस पार्क में आने से। ये हम पहुंच रहे हैं पार्क के दूसरे हिस्से में, ये हम पहुंचने वाले हैं जो पार्क का गेट है इस तरफ, यहाँ से पार्क गेट की एंट्री है, ये आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री है इसकी, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो यहाँ आने वालों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। पार्क सुंदर बहुत है, तो जब भी आए पार्क में कृपया साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। अच्छा लगा, देखिए
देख लिया दोस्तों खूबसूरती इस पार्क की। ये देखो दूर का नजारा, ये देखिए दूर का नजारा, ये माता वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत। तो दोस्तों अब समय आ गया है आपको बता दूं ये पार्क किस जगह पर है। आपने पूरा वीडियो को देखा, सहयोग करा। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की नई नई रोचक जानकारियां मैं देता रहता हूँ। और वैष्णो देवी का मेरा करीब 40 साल से मैं वैष्णो देवी की यात्राएं कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे और इस पार्क की जानकारी अपने जो मित्रों को जो वैष्णो देवी आ रहे हैं उनको देंगे। तो दोस्तों ये जो मेन गेट दिखाया है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है शालीमार पार्क, इस पार्क का नाम है। जब आप पुराने जो बाणगंगा मार्ग है उससे ऊपर की तरफ आएंगे तो चिंतामणि धर्मशाला बढ़ती है। उस चिंतामणि धर्मशाला से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मोड़ कटते ही ये लेफ्ट हैंड पे ये बड़ा सा खूबसूरत पार्क है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय माता दी। सब माता रानी सब भक्तों की मनोकामनाएं ऐसे ही हमेशा पूर्ण करती रहे और उनको सबको अपने दरबार में हमेशा इसी तरह सबको बुलाती रहे।